हैं, हम ये सब जरूर देखेंगे क्या टेक्निक से हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाए, बट मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताना चाहता हूँ। मैं योग में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं एक योग का सर्टिफाइड टीचर भी हूँ। योग जनरली लोग सोचते हैं कि आसन है, आप आसन करिए, आप अपनी सेहत बनाइए, बट क्या योग से आप वेल्थ भी बना सकते हैं? तो योग सूत्रा में जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, बेसिकली तीन तरह के गुण होते हैं या तीन तरह की प्रवृत्ति होती है, आपने सुना होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जनरली हम खाने के बारे में यूज़ करते हैं, ये सात्विक खाना है, ये तामसिक खाना है, बट ये एक प्रवृत्ति भी होती है और ये गुण है और ये हर इंसान में है, हर इंसान में ये तीनों गुण हैं। कभी आपका तमस प्रधान होता है, जैसे आप रात के टाइम आप थोड़े थके होते हैं, आपको थोड़ी निद्रा आ रही होती है, थोड़ा इनर्शिया होता है, तभी आपको नींद आती है, तो वो तमस होता है। लेकिन तमस भी इतना बुरा नहीं है, आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है, तो तमस भी ज़रूर है शरीर में। आप सुबह उठते हैं, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो रजस है। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको समझ लें कि आप में कब तमस प्रधान है, कब रजस प्रधान है, कब सत्व प्रधान है। तो तमस अगर ज़्यादा आपके ऊपर हावी है तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर इनर्शिया आ जाएगा। आपका पैसा पड़ा है, आप सोच ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, आपका कोई एक प्लॉट पड़ा है रियल एस्टेट में, आपको कुछ इनकम भी नहीं है, फिर भी आप जाके नहीं बेच रहे, ये आपका तमस है। कभी कभी आपका तमस और आप इक्विटी मार्केट में आ भी गए, बट आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप रिसर्च नहीं कर रहे, आपके किसी दोस्त ने टिप दिया आप ये खरीद लो, आपने खरीद लिया कोई पेनी स्टॉक, पैसा डूब गया क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी, बहुत लीवरेज वाला कंपनी खरीद लिया। तो ये तमस को थोड़ा आप समझिए कि मेरा कब तमस ज़्यादा है और उसको कैसे कम करूँ। चलो रजस की तरफ चलते हैं, रजस इज एक्शन। तो पॉजिटिव क्या है, आप बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा अपॉर्चुनिटी, फटाफट जाके इन्वेस्ट किया, एकदम बेचा। तो जो ट्रेडर हैं उसमें रजस है और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी पढ़ाई करिए, अगर आप जानते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, तो आपका रजस चलेगा। बट बहुत ज़्यादा रजस भी फिर थोड़ा थोड़ा आपको देखना है कि कई बार आप बहुत जल्दी बेच देंगे। जैसा कि मैंने बोला, सब में सत्व भी है, तो शायद संदीप जी का भी कुछ ऐसा पोर्टफोलियो होगा जो कोर पोर्टफोलियो होगा, तो कुछ ना कुछ कभी रजस कम करके कुछ लंबा टर्म का इन्वेस्टमेंट भी करिए, तो रजस को भी चेक में रखिए। बट समझिए आप किस वक्त रजस में है और कितना रजस आपको चाहिए। फाइनली सत्व की तरफ जाते हैं, जो हम कहते हैं कि सबसे उत्तम गुण है, इसमें हार्मोनी होती है, इसमें बैलेंस होता है। तो आप ध्यान से देखते हैं, आप वेट करते हैं, आप सही टाइम पर एंट्री करते हैं, आप सही तरह की कंपनी में जाते हैं, कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सत्व होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन बीच बीच में रजस भी चाहिए और कभी कभी तमस भी चाहिए। तो एक या दो मिनट के लिए कभी इस तरह का विचार करिए कि मैं किस तरह से एक्ट करूँ, बिकॉज योगा का एक मेन पर्पज़ है माइंडफुल रहिए कि आप किस स्थिति में हैं। बट कभी कभी हमें अपने पीछे जाके भी देखना चाहिए कि ये सब तो हमारी तरफ, हमारे वेदों में, हमारे योग में ही लिखा है। धन्यवाद।